अज्ञात कारणों के चलते 3 दुकानों में लगी आग। मौदहा हमीरपुर। मामला मौदहा कोतवाली से चंद कदम की दूरी का है, जहां सब्जी व किराने की 3 दुकान जलकर हुई राख। लगभग 5 लाख तक का हुआ नुकसान। परिवार के सामने मंडरिया रोजी रोटी का संकट। जानकारों की माने तो आग लगने का अब तक कोई निश्चित कारण नहीं पता चल पाया है, क्योंकि दुकानदार का मानना है कि वह शाम को पूरी सावधानी के साथ अपनी दुकान बंद करके चला गया था। वह दुकानदार का कहना है कि मेरी दुकान में किसी प्रकार के बिजली तार आदि का कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी आग लगने का कोई निश्चित कारण नहीं पता चल पा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? सनी। कहाँ रहते हो? उपरा से। ये किसने लगा, कैसे हो गया ये? अब हम लोग घर में थे, घर से फोन आया किसी का, दोस्त का, उसने बताया तुम्हारी दुकान में आग लग गई है। क्या बजे लगी थी? ये 11:20 में करीब हमारा फोन पहुँचाया 11:29 में। फोन किसने किया था? फोन हमारा दोस्त है फरीद, हमारा दो भाई भी है, दोस्त भी दुकान में। तुम लोग क्या बजे गए थे यहाँ से? हम लोग इधर से लेकर गए 7:30 बजे। दुकान बंद करके। कितने का नुकसान हुआ है तुम्हारा? अब 3 दुकानें हैं। किसकी किसकी है? एक में हमारी दादी का रहे फल की, एक में सब्जी की चाचा का, एक में हम किराने की। चाचा क्या नाम है? चाचा का नाम है उमा शंकर, और पर छोटे। और दादी का तुम्हारी क्या नाम है? दादी के हमारे बाबा का नाम है स्वामी दीन, दादी के नाम प्रेमा। तो तीनों दुकानों में आग लगी है, कितना नुकसान हुआ होगा? अब उनका भी सब्जी है, सब चीज़ महंगा चल रहा है इस समय, 5 से तो ऊपर हमारा ही है। मतलब 5 बोलो तो कितना? 5 लाख से ऊपर हमारा है। कोई पता नहीं चल पाया क्या? पता चल जाता तो हम और बगल में भी नुकसान। रिपोर्टर रूपेश कुमार, लोकेशन मोदहा।